दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10 सेकेंड टर्मिनल एग्जाम सोशल साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ सब फंस जाता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका के कागजी विभाजन से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है दोस्तों, 1855 ईस्वी में यूरोप की शक्तियों की बर्लिन जर्मनी में एक बैठक हुई। इस बैठक में इन शक्तियों ने अफ्रीका को उसके नक्शे पर ही लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया। इसे अफ्रीका का कागजी विभाजन कहते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और दोस्तों, आपको वहाँ एग्जाम में लिखा होगा, परीक्षार्थी यथा समय अपने शब्दों में ही उत्तर दे। जितना लाइन याद है उतना ही दे देना है दोस्तों, ठीक ना। दो नंबर का है कि भूमंडलीयकरण किसे कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसका उत्तर हो जाएगा, जीवन के सभी क्षेत्रों के एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है, भूमंडलीयकरण कहा जाता है, ठीक ना। दोस्तों, आपको जितना याद रहेगा लाइन उतना ही जवाब देना है। जैसे ही आउट क्वेश्चन पेपर आता है मैं अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तीसरा है, यंग इंडिया समाचार पत्र के बारे में बताएं। तो इसका उत्तर है, यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा उनके विचारों एवं राष्ट्रीयवाद आंदोलन का प्रचार करने के लिए किया गया था। इस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने सरकार को अपनी राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया था। भारत के आवाम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया। उसके बाद दोस्तों, आप चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है। दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन आंसर से, ठीक है ना। चलिए, उत्तर है, यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज की भाषा में यह एक धर्म, प्रजाति या सम्मान पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। घेटोकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी जो सामुदायिक दंगों के देसी रूप देते थे। चलिए, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, PDF बनाता हूँ। उसके बाद दोस्तों, पाँच नंबर का है, संघात्मक शासन क्या है। तो इसका उत्तर है, संघात्मक शासन का तात्पर्य ऐसे शासन से है जिसमें शासन की शक्ति केंद्र और प्रांतों में विभाजित होती है। यह शक्ति विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। इस शासन में संविधान का लिखित होना तथा केंद्रों प्रांतों के मध्य विवादों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र संघीय न्यायालय की आवश्यकता है। संघात्मक शासन में केंद्र और प्रांतों दोनों ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वायत्त होते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। छः नंबर का कर है, जन संघर्ष या आंदोलन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों, कभी कभी लोग बिना संगठन के अपनी मांगों के लिए एकजुट हो जाते हैं। इससे पनपी गतिविधियां धन संघर्ष या जन आंदोलन के रूप में प्रकट होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सात नंबर का कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन हैं। इसका उत्तर है, ग्राम पंचायत के प्रमुख चार अंग हैं। उनके नाम हैं, पहला ग्राम सभा, दूसरा है मुखिया, तीसरा है ग्राम रक्षा दल, चौथा है ग्राम। चलिए, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। आठ नंबर का कह रहा है, सतत विकास क्या है। तो इसका उत्तर है, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता तथा ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बन सके एवं भावी पीढ़ी के विकास में सहायक हो, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नौ नंबर का कह रहा है, साख मुद्रा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, साख पत्र से तात्पर्य उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साक्षर इनकम आदान प्रदान होता है, जैसे चेक, ड्राफ्ट आदि। चलिए, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। दस नंबर का कह रहा है, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। ई क्वेश्चन आपको रहेगा दोस्तों, ठीक ना, VVI है। उत्तर है, खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ के मैदान की नवीन बारीक कणों वाली कांप मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। उसके बाद बांगर मिट्टी, नदियों द्वारा जमा की गई पुरातन कांप मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। दोनों का हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, 11 नंबर का देख लेते हैं, कह रहा है, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों, वैसे उद्योग जिसने
उपभोक्ता सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं, मोबाइल तेल आदि उपभोक्ता उद्योग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 12 नंबर का। जैसे ही आउट क्वेश्चन आएगा दोस्तों हम अपलोड कर देंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इन सीटू प्रयास क्या है, तो इसका उत्तर है वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास इन सीटू प्रयास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 13 नंबर का। कह रहा है दोस्तों भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है, तो उत्तर है भारत के लिए जल मार्ग का महत्व इस प्रकार है। पहला है दोस्तों भारत का विदेशी व्यापार जल मार्ग से होता है। दोस्तों हम क्या बताएं, जितना आपको याद रहेगा उतना ही लिखना है, ठीक है ना। इसमें 5 है तो 2-3 याद रखना है। दूसरा है यह परिवहन का सर्वोत्तम सस्ता साधन है। तीसरा है खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना। उसके बाद चौथा है खनिजों के नियंत्रण दोहन पर नियंत्रण उनका तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। ठीक, उसके बाद पांचवा है दोस्तों खनिजों के अवशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग। ठीक, चलिए दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करें। यहाँ उपायों होगा दोस्तों, ठीक ना। तो इसका उत्तर है धरती में उत्पन्न ऊर्जा तरंगे चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें जान माल दोनों की क्षति होती है। भूकंप से बचाव के दो उदाहरण इस प्रकार है, पहला भूकंप रोधी भवन निर्माण, दूसरा है भूकंप के पूर्व अनुमान पर सक्रियता प्रदर्शन द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना, देख लीजिए। 15 का आपदा कितने प्रकार की होती है, तो इसका उत्तर है आपदा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा है मानव निर्मित आपदाएं। चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, सुखाड़, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं, ठीक ना। उसके बाद मानव द्वारा जनित आपदा हुआ, जैसे आतंकवाद, तोड़फोड़, बम ब्लास्ट, वनों का विनाश आदि, ये सब क्या है दोस्तों, मानव निर्मित आपदाएं, ठीक ना। तो दोस्तों जैसे ही आउट होता है क्वेश्चन आंसर हम अपलोड कर देंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कॉल कर लीजिए।